एक संकल्प जनता के लिए जनता के बीच जाकर लिया था, तो इसी संकल्प के साथ जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं दिल्ली के लोगों को और खासकर पूर्वी दिल्ली यमुना पार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये दोनों शास्त्री पार्क और सीलमपुर के दोनों फ्लाईओवर आज से शुरू होने जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ रहा करती थी, बहुत ट्रैफिक जैम रहते थे, कई कई घंटे के ट्रैफिक जैम रहते थे। अब ISBT से लेके और UP बॉर्डर तक मुझे लगता है 10 मिनट में आप अपना रास्ता पार कर सकते हैं। कोई रेड लाइट नहीं है बीच में, बिल्कुल स्मूथ ट्रैफिक है और इतना शानदार और इतना अच्छी क्वालिटी का आप इस फ्लाईओवर पे से चलें तो आपको पता चलेगा कि कितना शानदार और अच्छी क्वालिटी का फ्लाईओवर बनाया है। जैसा भी बताया, 303 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनना था, 303 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे और ये फ्लाईओवर 250 करोड़ में पूरा हो गया। 53 करोड़ रुपए इंजीनियर्स ने बचा लिए। मैं समझता हूं, और ये केवल इसी प्रोजेक्ट में नहीं है, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है हर काम में पैसे बचा रहे हैं, हर काम में। तो हर काम में पैसा बच रहा है, और ये पैसा क्यों बच रहा है? तो जैसे आज वाला फ्लाईओवर है, आज ये दोनों फ्लाईओवर हैं, 303 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, 250 करोड़ में बन गए। ये जो 53 करोड़ रुपए हैं, ये पहले नेताओं की जेब में जाया करते थे, ये रिश्वत के रूप में जाया करते थे, पैसे खाया करते थे। हम लोग पैसे खाते नहीं है, रिश्वत लेते नहीं है ठेकेदार से, हम लोग इंजीनियर को बुला के पैसे लेते नहीं है, हमने हफ्ते नहीं बांध रखे। वो सारा पैसा अब जनता का बचता जा रहा है। तो मैं फिर से PWD के इंजीनियर्स को बधाई देता हूं, इतने कम समय में और इतना शानदार, इतने कम पैसे में उन्होंने ये फ्लाईओवर पूरे किए। दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं, यमुना पार की जनता को बधाई देता हूं कि इसके बाद आप लोगों को काफी सहूलियत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।